देश में ई नाम के द्वारा जो स्कीम चली है उसको, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है, चाहे वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, तो जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी इन अच्छी कृषि की नीतियों के और उनको उपयोग में लेने वाले किसानों को दी जाए, न कि सिर्फ सबको बांट दी जाए। तो कुछ नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि आज इन सब बातों का, और मंत्री महोदय फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो ये आज गोष्ठी आपने की है, इसका एक उद्देश्य मैं समझता हूँ जो आज सफल होगा, कि कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस, सब लोगों को एक इकट्ठा। आज हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि सब एम्पायरमेंट लेके सब अपने अपने में व्यस्त है, सबको इकट्ठा करके मिलके और क्या कार्य नीति होनी चाहिए और उस पर किसको क्या काम करना है, तो हमारा एक आगे का मार्गदर्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि एक गोष्ठी हो और उसको हम कह दें कि उसकी एक रिपोर्ट बाद में कभी निकल जाए। इन्हीं बातों से मैं आपको फिर एक बार सबको मैं आज यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, और खास करके किसान भाई राजस्थान से आए हैं, दो किसान भाइयों ने तो इस बार जो है वो पद्मश्री अवार्ड भी लिया राजस्थान से, 10 किसान मेरे ख्याल से वो यहाँ उपस्थित होंगे, और कई किसानों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिनको हमें डॉक्यूमेंट करना होगा, उनकी तरीकों को और आगे बढ़ाने के लिए साइंसदानों को भी मिलाना होगा, और उनसे जैसे कि सुबह कहा गया कि गौमूत्र या जो है गौ काउडंग, इनके जो कुछ सदुपयोग हो सकते हैं तो उनके ऊपर साइंस क्या कहती है, और साइंस से कैसे उनका फायदा कितना लिया जा सकता है, क्या सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं हो पाएगा, हमारी आबादी को हम नहीं खिला पाएंगे, और उसके लिए हमें जो है एक संतुलित प्रोग्राम को रखना होगा, और उसके ऊपर कहाँ क्या हो सकता है उसका पूरा, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे उनको पैसा भी ज़्यादा जब तक नहीं मिलेगा मार्केट में तो उसका भी कोई फायदा नहीं, तो वहाँ उसकी भी नीति को लाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति सदैव प्रेरणादायी होती है तथा हम सब आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर आर एस परोड़ा जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब अवसर वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब हम अपने मंत्री महोदय को सुने, और जैसा हमारे महानिदेशक महोदय ने बताया, यहाँ उपस्थित हमारे सम्माननीय सांसद गणों को हम किसानों के साथ जो चर्चा सत्र है उसमें सुनेंगे, तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ भारत के कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी अपना उद्घाटन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, फिर जय विज्ञान। आज हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री राजस्थान के पूर्व और मेरे बड़े भाई साहब प्रभुलाल जी सैनी साहब, और हमारे बीच विराजमान प्रातस्मरणीय और हमारे सांसद महोदय सीकर से सुबेदानंद जी सरस्वती, और हमारे बीच में विराजमान हमारे किसानों के नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ जी डूडी साहब, और मेरा हमेशा मार्गदर्शन करने वाले संगठन में और विधान लोकसभा के अंदर राज्यसभा सांसद नारायण जी पंचार्य जी, और हमारे बीच में विराजमान राज्यसभा के सांसद राम कुमार जी वर्मा जी, और मेरे राजनीतिक गुरु और